रही है, गाड़ी पार्किंग में लग रही है और हवा चल रही है एक नंबर। यहाँ समझाएंगे घाट पे, हवा चल रही है भाई भयंकर। हमने छोटे बैग में ले लिए कुछ कपड़े और हम चल दिए घाट की तरफ। क्वालिटी चेक कर लो भाई, बेस्ट क्वालिटी। जा रहे हैं गंगा स्नान करने, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, एकदम शुद्ध स्नान। एकदम हवा चल रही है भाई बहुत एकदम तेज। पानी एकदम चिल ठंडा, और एक गंगा मैया में एक बार नहाने के बाद ना ठंड लगती ना कुछ, बस मिलता है सुकून। तो सारे आओ गंगा यहाँ पे डुबकी लगाओ, अपने पाप धो और अच्छे अच्छे पुण्य काम करो। स्नान कर लिया है, सुकून आ गया भाई एकदम, मन को सुकून, बदन में ठंडक, ऐसा लग रहा है एकदम हल्का हो गया शरीर मन, बिल्कुल आए और गंगा स्नान करें, अनजाने में किए हुए पाप धोएं। और भाई ये बहुत ही गलत फहमी है लोगों की कि मतलब आप पाप करते जाओ और गंगा में आके आप गंगा स्नान करो आपके पाप सारे धुल जाएंगे। असल में होता है कि जो पाप अनजाने में होते हैं सिर्फ वो पाप धो जाते हैं। तो गलत काम ना करें, क्योंकि जान के किए गए पाप का तो भोगना पड़ता ही है भाई, कर्म होते हैं। ठीक है, चलो आपको आगे दिखाता हूँ। Thank you.
चल दिए हैं वापस। अब आपको मिलेंगे या तो अगले वीडियो में या फिर नेक्स्ट पार्ट में।